Hello guys and welcome to my channel English Made Easy with Swarnashikha. आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक आपको बतलाऊंगी दैट इज एडिटिंग एंड ओमिशन जो कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 में ग्रामर सेक्शन में आता है अराउंड 4 टू 5 मार्क्स आई गेस. तो इसमें क्या है, एडिटिंग जो वर्ड है, एडिट मतलब किसी चीज को करेक्ट करना. तो एडिटिंग यूजुअली हम लोग यूज करते हैं प्रूफ रीडिंग में, मतलब कोई बुक लिखा गया या कोई आर्टिकल ऐसे लिखा गया तो उस बुक में जो जो भी ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह है उसको करेक्ट करते हैं. तो उसमें जो रीड करते हो दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग और उसी में ये एडिटिंग वर्ड यूज होता है. तो एडिटिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, तो कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या एरर है उसको फाइंड आउट करके लिखते हैं. और ओमिशन में क्या करते हैं, ओमिशन, ओमिशन वर्ड बना है ओमिट से. ओमिट मतलब कोई चीज हट गया है, कोई चीज हमने लिखना हम लिखना भूल गए हैं या मिस कर गए हैं, उसी से बना है ओमिशन. ये रिमेम्बर करने में भी इजी होगा क्योंकि कोई वर्ड मिस कर ले, कोई वर्ड छूट गया है तो उसी से मिस इसमें आ रहा है खुद ही से. तो ओमिशन में वर्ड ओमिटेड रहता है, वर्ड मिस्ड आउट रहता है, वर्ड हम भूल जाते हैं लिखना. लेकिन एडिटिंग में हम कुछ और लिख देते हैं, हम गलती से एक गलत वर्ड यूज कर देते हैं. तो एडिटिंग में हम क्या करते हैं कि एडिटिंग में उस गलती को हम करेक्ट करते हैं और ओमिशन में जो वर्ड छूट गया है हम उसको मेंशन करते हैं. यही डिफरेंस है एडिटिंग में और ओमिशन में. ये क्लियर होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को और भी क्लियर करती हूँ अच्छे से. कि एक एग्जांपल है, सपोज वी नो दैट यू हैज डन अ लॉट फॉर अस. तो एक्चुअली अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा यू के साथ हैज कभी भी यूज नहीं होता है, यू के साथ हमेशा हैव यूज होता है. और यहाँ पे हैज यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी एक क्वेश्चन होगा आपको एडिटिंग का, वहां पे उस पैसेज के बगल में एक ऑप्शन होगा इनकरेक्ट और एक ऑप्शन होगा करेक्ट. तो इनकरेक्ट वाले के नीचे आपको लिखना होगा जो इनकरेक्ट है, यानी कि हैज, इनकरेक्ट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर हैज. और उसका करेक्ट क्या होगा, उसका करेक्ट होगा हैव. तो इस तरह से आपको उस चीज को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा. और यही ओमिशन में क्या है, जैसे आप देखिए ओवर 10,000 पीपल डाई स्नेक बाइट एवरी ईयर. तो ये सेंटेंस पढ़ने से आपको थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड ऑफ मिसिंग है. तो लगभग इसका मतलब क्या कि लगभग 10,000 लोग स्नेक बाइट मतलब सांप के काटने से हर साल मर जाते हैं. सो यहाँ पर एक वर्ड ओमिटेड है, एक वर्ड मिसिंग है. तो ओमिटेड वर्ड बीच में लिखते हैं, उसके पहले का वर्ड इधर लिखते हैं और उसके बाद का वर्ड इधर लिखते हैं. जैसे ओवर 10,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर, तो यहाँ पर ऑफ लगेगा तो ये ऑफ हम यहाँ लिखेंगे ओमिटेड वर्ड के जगह. और इसके ठीक पहले क्या है, डाई, तो यहाँ डाई लिखाएगा. और इसके ठीक बाद है स्नेक बाइट, तो यहाँ आपका लिखाएगा स्नेक बाइट. तो आई गेस ये क्लियर हुआ. अब इन चीजों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर के क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है, तो कहते हैं कि ग्रामर के बेसिक में जो कुछ है सब कुछ पढ़ना इसके लिए इम्पोर्टेंट है. पर हाँ, अगर आप एक ये सब कुछ पढ़ना अगर हम बोलते हो थोड़ा हैवी सा लगता है कि बाबा इतना सारा चीज होता है ग्रामर में कैसे मैनेज होगा. तो इट्स लाइक आप सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिए. इनकी यूजेस पढ़ लीजिए कि कहाँ पर कौन यूज होता है. प्लस इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्ड भी बोलते हैं. और इसके साथ कुछ आप पैसिव और एक्टिव वॉइस पे थोड़ा सा भी जानकारी काफी होगा, बहुत हैवी नहीं, हल्की फुल्की जानकारी भी काफी होगी. और उसके साथ थोड़ा नॉलेज आर्टिकल्स का भी होना चाहिए, मतलब यूजेस ऑफ ए एंड द. तो उसके बाद आपको ये एडिटिंग ओमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और ग्रामर में कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो इसीलिए ग्रामर इंप्रूव करने के लिए या फिर इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, मतलब बहुत सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए, राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. और आपके पास जो भी टीचर अवेलेबल है उनसे चेक कराइए, या फिर अगर आपको मुझसे भी चेक कराना है तो आप मेल में या फेसबुक पेज पे लिख करके फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो, तो मैं उसे करेक्ट करके आपको करेक्ट आंसर भेज दूंगी. और इसके ठीक बाद मैं कुछ पैसेजेस भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि उसमें क्या सही होगा, कैसे उसको सॉल्व करते हैं. तो आई ट्राई माय बेस्ट कि 26 को आपका एग्जाम है, उससे पहले मैं 5 पैसेजेस एडिटिंग के और 5 पैसेजेस ओमिशन के आपको सॉल्व करके बतला दूं. और हाँ,
अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैंने बुक के सारे चैप्टर्स पे अच्छे से वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको कोई चैप्टर नहीं भी मिल रहा हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाइएगा, मैं आपको सबसे पहले उसका लिंक सेंड कर दूंगी। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन की